आगे लेके चलें। ग्रेट हो गया। अच्छा, अब तक जो चीज़ें हमने की हैं कैटिंग डेटा के हवाले से, अगर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं इसके ऊपर। ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और फर्स्ट स्टेप है हमारा डैशबोर्ड डेवलपमेंट थ्रू पावर टूल्स। और इसमें जो पहला स्टेप हमारा होता है वो गेटिंग डेटा का है फ्रॉम डिफरेंट डेटा सोर्सेज। अभी तक हमने जो डेटा सोर्सेज यूज़ किए हैं उसमें एसक्यूएल सर्वर से हमने डेटा लिया, और इसके अलावा हमने डेटा इंपोर्ट किया एक्सेल फाइल से, टेक्स्ट फाइल से, और फोल्डर इंपोर्ट करके देखा हमने कि किस तरह से फोल्डर से डेटा लिया जा सकता है। वेबसाइट का भी मैं आपको बता देता हूँ कि वेबसाइट से किस तरह से आप डेटा लेते हैं, वो भी मैं आपको एक सैम्पल उसका दिखा देता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर इस जहाँ तक हमने डिस्कस किया है इसमें कोई चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आई जिसको रिपीट करने की ज़रूरत है तो वो मुझे भी बता दें। अली, आप ग्रुप में भी बेशक मैसेज ड्रॉप कर दें कि जिसने लिंक से ज्वाइन करना है वो आपको बता दे और आप उसको ऐड करते जाइएगा। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन नहीं किसी की तरफ से, सब क्लियर है? ऑलराइट, नेक्स्ट एक और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास कोई वेबसाइट है और वहाँ से आपने डेटा इंपोर्ट करना है तो किस तरह से करेंगे। अभी फ़िलहाल मेरे पास वेबसाइट का कोई एड्रेस नहीं है, तो प्रीवियसली जो मैंने कनेक्शन यूज़ किए थे वहीं से मैं कोई वेबसाइट उठा लेता हूँ। लेट्स से ये qa.com को ले लेते हैं, qa.com। अगर मैं इसी के ऊपर क्लिक करके वो करूँगा तब भी हो जाएगा, अदरवाइज़ मैं फ्रॉम वेब पे जाऊँगा और यहाँ पर मैं वेबसाइट का URL दूँगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक वेबसाइट ले लेते हैं qa.com। इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पर इसका URL पेस्ट कर देते हैं। ओके, अब जितना भी पॉसिबली टेबल्स वेबसाइट के ऊपर मिलेंगे पावर पिवट को या पावर क्यूरी को, वो सारे के सारे टेबल्स हमें शो कर देगा। उसमें से जो भी टेबल हम इंपोर्ट करना चाहें हम उसको इसमें ऐड कर लेंगे। आप भी डिफरेंट वेबसाइट्स को ट्राई कीजिएगा, इंक्लूडिंग यूट्यूब, इंक्लूडिंग फेसबुक, लिंक्डइन, कहाँ कहाँ से आप इजीली डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा टाइम लेता है ये वेबसाइट से डेटा इंपोर्ट करने के लिए।
जब तक ये कनेक्शन बिल्ड करता है, आप असाइनमेंट जो है वो नोट कर लें अपने पास। अपने डेटा के ऊपर कम से कम दो टूल्स यूज़ करके आपने डैशबोर्ड डेवलप करना है। अब इसमें आप बाउंड नहीं है कि कौन सा डेटा आप यूज़ करते हैं, लेकिन कम से कम दो फिल्टरिंग टूल उसमें यूज़ होने चाहिए। और आप ग्राफ भी बना सकते हैं, इसके अलावा आप टेबल में भी डेटा शो कर सकते हैं, लेकिन डैशबोर्ड खूबसूरत होना चाहिए। अच्छा जी, इस केस में, इस मेरा सवाल वेबसाइट, है कि जो टूल्स यूज करने हैं वो जो आपने पहले डैशबोर्ड वाले सिखाए उनमें से यूज करने हैं जी, या उनमें इस से पावर वाले साइड यूज करने नहीं, हैं? पावर वाले तो हम एंड पे करेंगे, अभी तो पावर के ऊपर हम सीख रहे मतलब वो हैं। जो कल जिस तरह हमने डैशबोर्ड बनाया था उस तरह दो टूल्स यूज करके एक डैशबोर्ड बनाना है। जी बिल्कुल। ओके, अच्छा, अब इसके अंदर आप देखें तो एक डॉक्यूमेंट के नाम से एक टेबल आ रहा है। इस टेबल के अंदर डेटा नहीं है, ये सिर्फ काइंड है, नेम है और चिल्ड्रन आ रहे हैं। इसको हम फर्दर ड्रिल डाउन भी नहीं कर सकते, ये इस पेज के ऊपर ये टेबल क्रिएटेड है, लेकिन इसको हम इम्पोर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम किसी और जो हमारा वेबसाइट है उसकी तरफ मूव कर सकते हैं। लेट्स से कौन सी वेबसाइट यूज़ करें, कॉमर्स वाली मिल जाएगी इसके अंदर कोई ग्राफिक्स वेबसाइट वगैरह? जिसके ऊपर आपको आइडिया हो कि यहाँ पर डेटा टेबुलर फॉर्म के अंदर आ रहा होता है। ओके, सो लेट्स ट्राई अली एक्सप्रेस। बीटी की वेबसाइट पे करो नहीं, जैसे सब्सक्राइबर्स वाला। अली एक्सप्रेस को ट्राई करते हैं, जब हम इसको ओपन करते हैं इसके ऊपर कुछ टेबल्स आ रहे होते हैं। से कनेक्ट कर लें, इसमें भी हमारे पास सिर्फ एक डॉक्यूमेंट का फोल्डर आया है इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं ताकि फर्दर हमारे पास चीज़ें आ जाएं, फिर एक्सपेंड करते हैं तो कुछ मज़ीद एलिमेंट्स आ गए हमारे पास, और अगर हम फर्दर एक्सपेंड करें कुछ मज़ीद कॉलम्स हो गए, मेरे ख्याल में इतने काफ़ी हैं। क्लोज एंड लोड कर दें। ओके, अब इसके अंदर डेटा क्या है ये देख लेंगे। इस तरह से डेटा आ रहा है, काइंड है, नेम, और ये सारे बेसिकली HTML कोड्स हैं जो कि टेबुलर फॉर्म में वो हमें दिखा रहे हैं। जिस भी वेबसाइट के ऊपर डेटा टेबल में शो किया गया होगा, एक होता है डेटा आपका HTML कोड्स के अंदर शो किया जाता है, और एक डेटा शो किया जाता है टेबल के अंदर। जो टेबल में डेटा शो होगा वो आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इसको भी अगर आप पावर पिवट में जाएं और मैनेज में जाएं तो यहाँ पर आप इसको भी देख सकते हैं। आई होप कि इसको मज़ीद ड्रिल डाउन किया जा सकता था। क्यूरी एडिटर और डॉक्यूमेंट,
एक्सपेंड दिस कॉलम, हाँ ये कॉलम एक्सपेंड हो सकता है फर्दर। अगर हम मज़ीद आगे चलें, बेसिकली वो टैग है, टैग के अंदर फर्दर टैग है, वो टैग है, उसी की तरह ये मूव करता जा रहा है। बट इसमें डेटा टेक्स्ट और एलिमेंट इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा जी, दिस वॉज ऑल अबाउट गेटिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट डेटा सोर्सेज। और द नेक्स्ट स्टेप इज हाउ टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। अच्छा, इसके लिए मैं एक इंजीनियरिंग का डेटा यूज़ करूँगा और उस डेटा के अंदर मेरे पास साइट लिस्ट है जिसके अंदर यूनिक साइट्स आ रही हैं, और किसी एक फोल्डर के अंदर डिफरेंट डेटा सेट्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पे उसमें डेटा ट्रैफिक है, वॉइस ट्रैफिक है, इस तरह की सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं साइट लिस्ट देख लेता हूँ कि मेरे पास कहाँ पड़ी है, और उसी साइट लिस्ट को हम इसमें इंपोर्ट कर लेते हैं। डेटा रिमूव डुप्लीकेट्स ऑन साइट्स नॉट अवेलेबल फॉर। ऑल राइट, पावर क्यूरी में जाएं और यहाँ से जाके एक्सेल फाइल को इंपोर्ट कर लें। और एक्सेल फाइल जो है ये इस वक्त आपकी साइट टैगिंग में पड़ी है, अप्रैल साइट टैगिंग, और इसको हम इंपोर्ट कर लें। लोड कर दें इसको डेटा मॉडल में। ये एक टेबल हमने एक्सेल का लोड किया है, और बाकी एक या दो टेबल जो भी हम करेंगे वो हम फोल्डर्स की सूरत में करेंगे। पहला फोल्डर जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे यूटिलाइजेशन, और इसके अंदर PRB के नाम से एक फोल्डर है, हम इसको यूज़ कर लेते हैं। एक डेटा ये हो जाएगा और एक डेटा डेटा ट्रैफिक। अब इसमें मल्टीपल फाइल्स हैं और आई होप के मोर देन 100 फाइल्स इस फोल्डर के अंदर पड़ी हैं, उनसे हम एक टेबल बनाएंगे। तो डेफिनेटली नंबर ऑफ रोज जो है वो बहुत ज़्यादा होंगी और लोड होने में भी ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये तकरीबन अभी तक 4 शीट्स के इक्वल जो है वो डेटा इसमें लोड हो चुका है। 4.4 मिलियन रोज हैं इस एक फोल्डर के अंदर। इसी तरह से दूसरा फोल्डर कर लें। दूसरा फोल्डर हम ले लेते हैं सी ड्राइव और टेम यूटिलाइजेशन, और यहीं पे हमारे पास साइट डेटा के नाम से फोल्डर है। तो ये दो फोल्डर हम ले लेते हैं, इनके ऊपर रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, और रिलेशनशिप बिल्ड करके हम देखेंगे कि किस तरह से डेटा को समराइज किया जा सकता है। ओके, इस फोल्डर में भी ऑलमोस्ट इतना ही डेटा होगा, इतनी ही रोज होंगी।
इसमें आप एक चीज़ नोट करें, यहाँ पर राइट साइड पे एरर्स लिखे हुए आ रहे हैं, 343 एरर्स हैं। ये बेसिकली वो एरर्स हैं जब हमने टॉप 200 रोज़ की बेस के ऊपर डेटा टाइप डिफाइन किया था, और हमारा डेटा टाइप लेट से फर्स्ट 200 रोज़ में सारे न्यूमेरिक वैल्यूज़ थी, और कहीं दरमियान में जाके कोई टेक्स्ट वैल्यू आ गई या कोई एन ए लिखा हुआ एरर आ गया, तो उसको एज अ ये एरर ट्रीट करता जाएगा, और उस हर एक रो में नल लिख के उस या ज़ीरो लिख के उसको एरर शो कर देगा। ये वो एरर्स आ रहे हैं यहाँ पे। ऑलमोस्ट 2.4 मिलियन रोज हैं इसमें। अच्छा जी, अब इसको हम डेटा मॉडल में चेक करते हैं और इसके रिलेशनशिप्स को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि रिलेशनशिप क्या चीज़ है। यहाँ पे देखें, साइट टैगिंग आ रही है, पीआरबी आ रही है, और डेटा साइट डेटा है। साइट डेटा में अगर आप देखें यहाँ पर, तो हमारे पास रीजन नहीं आ रहा। अगर हमने लेट से रीजन के ऊपर समराइज़ करना है इस डेटा को, या हम इसको ग्रिड लेवल पे, फ्रेंचाइज लेवल पे समराइज़ करना चाह रहे हैं, तो हम नहीं कर सकते। ग्रिड लेवल के लिए ग्रिड है, लेकिन साइट फ्रेंचाइज और रीजन के नहीं है। अब थोड़ा सा जो इंजीनियरिंग से नहीं है उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसमें जो लोएस्ट हायरार्की है वो साइट आईडी है। तो साइट आईडी की बेस के ऊपर हम इसका रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे। और अगर आप साइट टैगिंग में देखें, यहाँ पर भी साइट आईडी आ रही है, लेकिन यहाँ पर साथ में सिटी भी है और क्लस्टर, रीजन, ये सारा कुछ है। आई थिंक हमने एक चीज़ मिस की है, हमने इसकी फर्स्ट रो को एज अ हेड ट्रीट नहीं किया। ओके, और अगर साइट डेटा में जाएं तो यहाँ पर भी आपके पास साइट आईडी है, लेकिन रीजन और वो सारी चीज़ें नहीं है। तो हमें अगर समराइज करना है रीजन के ऊपर, तो हम रिलेशनशिप्स को यूज़ करेंगे। इससे मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और थोड़ा सा आपको रिलेशनशिप के हवाले से बता देता हूँ कि वो क्या चीज़ है। एडिट, ओके। अच्छा, जिस वक्त भी ऐसा हो ना कि आपने, आपकी फर्स्ट रो एज अ हेडर नहीं बनी, तो आप पावर पावर क्यूरी एडिटर ओपन कर लें, और इसके ट्रांसफॉर्म टैब के ऊपर बिल्कुल लेफ्ट साइड पे यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर लिखा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो ये जो कॉलम वन कॉलम टू था, ये पहली रो में चेंज हो जाएगा। इसको क्लोज एंड लोड कर दें, ये डेटा दोबारा से लोड होगा, और फिर दोबारा से जब आप डेटा मॉडल में जाके इसको देखेंगे, तो इसके हेडर्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। बताइएगा कैसे चेंज किए हैं आपने? इस टेबल में मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देखें एडिट का ऑप्शन आ रहा है। एक तरीकाकार ये है, और दूसरा तरीकाकार ये है कि आप पावर क्यूरी में जाएं और यहाँ से लॉन्च एडिटर पे क्लिक कर दें। जब आप लॉन्च एडिटर पे जाते हैं, तो आपके पास लेफ्ट साइड पे ये सारे के सारे टेबल्स आ रहे हैं। जिस टेबल को भी चेंज करना है उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ट्रांसफॉर्म के टैब पे चले जाएं और यहाँ से यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर पे क्लिक करें। यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शन है। अगर आप फर्स्ट रो जो हेडर्स हैं उनको फर्स्ट रो में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, और फर्स्ट रो को हेडर्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसी की अगर राइट साइड पे देखें, तो वो सारे के सारे स्टेप्स आ रहे हैं जो कि आपने इस टेबल के ऊपर अप्लाई किए थे। आपने पहले सोर्स किया डेटा को, उसकी नेविगेशन चेक की, उसके डेटा टाइप्स जो हैं वो चेंज की, हेडर्स जो हैं वो प्रमोट किए, और फिर चेंज टाइप वन कर दिया। ये आपने बेसिकली चेंज टाइप किया है। उसके बाद आप क्लोज एंड लोड करेंगे तो ये डेटा आपका लोड हो जाएगा। अच्छा, अब मैं एक पिवट टेबल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। मैं एवरी टाइम हम पिवट बनाएंगे पावर क्यूरी के अंदर रहते हुए, एक्सेल के अंदर रहते हुए, किसी भी सूरत में हम पावर पिवट से नहीं करेंगे, ताकि एक ही चीज़ के ऊपर फोकस रहें आप, और ये ज़्यादा बेहतर है उसकी निस्बत। आपने क्या करना है, यूज़ एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स पे क्लिक करके चूज़ कनेक्शन करना है, और टेबल में जाके इस पर्टिकुलर
जो हमारी डेटा मॉडल है उसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके नीचे क्यूरीज भी आ रही हैं और कनेक्शंस में जाके आप देखें तो ये सारे के सारे कनेक्शंस भी आ रहे हैं, लेकिन आपने डेटा मॉडल को पिक करना है और इसे ओपन कर लेना है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन क्या है कि आप न्यू वर्कशीट में जाना चाह रहे हैं या इसी वर्कशीट के अंदर क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो एग्जिस्टिंग में करके इसको ओके कर दें। इससे मैं क्यूरीज को क्लोज कर देता हूँ। अभी देखें इन सब के दरमियान में ना एक लाइन आ रही है, ये लाइन शो करती है कि इन टेबल का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप सब रीजन उठाते हैं यहाँ से और 2G डेटा ट्रैफिक आप दूसरे टेबल से उठाते हैं, तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ एक जैसी शो होंगी। ये बेसिकली टोटल है उसका, ये सारी वैल्यूज़ एक जैसी शो हो रही हैं। और साथ ही अगर इस यहाँ पर देखें तो आपको इसने ऑप्शन दे दिया कि आप इसका रिलेशनशिप बिल्ड करें। आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं रिलेशनशिप, नो इशू, लेकिन कोशिश करें कि आप इस पॉइंट से इसको क्रिएट करें। एक तो ये इजी है क्रिएट करना, और दूसरा एक ही चीज़ के ऊपर अगर आप फोकस्ड रहेंगे तो आपको भूलेंगे नहीं। अब साइट टैगिंग में, अच्छा इसमें रिलेशनशिप पावर पिवट के अंदर 3 तरह के रिलेशनशिप आप बिल्ड कर सकते हैं। एक 1-to-1 है, एक many-to-1 है, और एक 1-to-many है। many-to-many रिलेशनशिप आप बिल्ड नहीं कर सकते पावर पिवट में, अलबत्ता ये फंक्शन अवेलेबल है पावर बीआई में, पावर पिवट में नहीं है। तो आप, इसका मतलब ये है कि आप जब रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं तो आपके मास्टर डेटा सेट के अंदर जो भी कॉलम आप चूज़ कर रहे हैं रिलेशनशिप के लिए उसमें यूनिक डेटा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर साइट आईडी है, अगर ये डुप्लीकेट होगी या इसके अंदर ब्लैंक्स होंगे तो ये रिलेशनशिप नहीं क्रिएट करेगा, ये आपको एरर थ्रो कर देगा। अच्छा उस तरीकाकार क्या है, साइट आईडी को पिक करें और दूसरे टेबल की साइट आईडी पे जाके इसको ड्रॉप कर दें। अब ये इन दोनों टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बन गया है। अब इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और वापस, अच्छा मैंने दूसरे टेबल पे क्रिएट किया है। इसी तरह से ये साइट आईडी पिक करके इस साइट आईडी पे जाके ड्रॉप कर दें। जैसे आप ये ड्रॉप करेंगे रिलेशनशिप बन गया। आप इसके ऊपर जब कर्सर मूव करते हैं तो वो कॉलम हाईलाइट हो जाएंगे जिनकी बेसिस के ऊपर रिलेशनशिप आपने बनाया है, और जो आपने पिवट टेबल बनाया था वो भी समराइज हो गया। ये देखिए अब वो जो टोटल का नंबर आ रहा था सबके अगेंस्ट वो टोटल में आ गया, और बाकी के अगेंस्ट ये इस तरह से नंबर शो हो गया। अब इसका मतलब ये है कि सेंट्रल वन के अंदर जो डेटा ट्रैफिक है वो 47,000 GB है, सेंट्रल फोर एंड सेंट्रल फाइव ये जो है ये नंबर किसी अदर रीजन्स के हैं, वो मे बी सेंट्रल बी हो, मे बी नॉर्थ साउथ का भी डेटा हो इसके अंदर। आप चेक करना चाहें तो डेटा मॉडल में जाके टेबल व्यू से रीजन के ऊपर फिल्टर लगाएं या ग्रिड के ऊपर, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। जी ये नेशन वाइड डेटा है, इसमें साउथ का और नॉर्थ का और सेंट्रल बी का डेटा भी है, तो ये जो ब्लैंक है ये उस चीज़ को शो कर रहा है। अब इसी तरह से आप एक और टेबल क्रिएट करते हैं। लेट्स से आपने चूज एक्सटर्नल कनेक्शंस और ये आपने एक और क्रिएट कर दिया। अब इस केस में मैं साइट में से यहाँ पे क्लस्टर ले लेता हूँ और पी आर बी में से एवरेज डाउनलिंक। ये अच्छा जस्ट फॉर इंजीनियरिंग ये डेटा ठीक नहीं आएगा, उसकी रीज़न ये है कि इसको हमें पहले क्लस्टर लेवल पे एवरेज आउट करना था, उसके बाद हम इसको लेके आ सकते थे, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ मैं। ये जनाब इसकी थ्रूपुट्स आ गई हैं डिफरेंट क्लस्टर्स की, इसमें भी हम क्लस्टर ले लेते हैं, इसमें भी हम रीजन को हटा के क्लस्टर ले लेते हैं। ये देखिए अब एक टेबल क्लस्टर का इस तरफ बन गया है और दूसरा टेबल ये बन गया है। एक में डेटा ट्रैफिक आ रही है 2G और दूसरे के अंदर थ्रूपुट आ रही है। अब मुझे ये दोनों फिल्टर करने हैं, मुझे नहीं पता इसमें से सेंट्रल वन का क्लस्टर कौन सा है और सेंट्रल फोर का कौन सा है और सेंट्रल फाइव का कौन सा है। तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट में जाके यहाँ से स्लाइसर बना दूँगा। ये देखें फिल्टर्स में स्लाइसर आ रहे हैं, तो मैं स्लाइसर ऐड करता हूँ और मेरा ये स्लाइसर होगा साइट ये टैगिंग के ऊपर। यहाँ से मैं पिक कर लेता हूँ
सब रीजन। कुछ और टाइप्स भी आप लेना चाहें, जैसे टेक्नोलॉजी टाइप है, या जो भी आप अगर इसमें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, अगर मैं क्लिक करता हूँ लेट्स से सेंट्रल फाइव के ऊपर, तो ये देखें सेंट्रल फाइव के क्लस्टर्स आ गए हैं, सेंट्रल फोर, सेंट्रल वन, और ब्लैंक में जो भी डेटा था वो आ जाए। लेकिन मुझे इसको भी समराइज करना था साहब, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और रिपोर्ट कनेक्शंस के नाम से मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है, मैं इस पर चला जाऊँगा। जब मैंने रिपोर्ट कनेक्शंस पे क्लिक किया तो मेरे यहाँ पे आप देखें दो पिवट टेबल हैं, एक चेक है और एक अनचेक है, इसे भी चेक करके ओके कर दें। तो अब ये दोनों के दोनों इसी स्लाइसर से कंट्रोल हो रहे हैं। फर्दर आप इसकी एक और सेटिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, हाइड आइटम्स विद नो डेटा। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप एज अ हायरार्की यूज़ कर रहे होते हैं अपने फिल्टर्स को, जैसे कि आपने डैशबोर्ड डेवलपमेंट में सीखा था रीजन, फिर ग्रिड और फिर फ्रेंचाइज, तो वो डेटा पॉइंट्स जो कि किसी अदर रीजन के हैं वो यहाँ से हाइड हो जाते हैं सब फिल्टर्स में से। उसको हम कल के दिन में जिस वक्त डैशबोर्ड बनाएंगे मंडे को, तो फिर उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। परसों में अवेलेबल है आप, अगर आपको डिस्टर्ब करें आप डैशबोर्ड? मुझे संडे को सेकंड हाफ में किसी टाइम पे भी मैसेज कर दीजिएगा, मैं अवेलेबल होऊंगा। कल का दिन मैं नहीं होऊंगा अवेलेबल, कल मैं एक मसरूफियत है उसमें होगा, और परसों इंशाल्लाह आप सेकंड हाफ में मुझे मैसेज करें, कॉल करें, मैं अवेलेबल हूँ। अभी जो पावर टूल्स की चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, इनके इनके लिए कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में है तो आप पूछ सकते हैं। चीज़ें सिंपल हैं, आसान हैं। एक्सेल के अगर एक्सेल से आप इसको कंपेयर करने लगें तो ये मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा इजी है। एक्सेल का एज सच नॉलेज नहीं चाहिए यहाँ पे आपको, इवन बेसिक लेवल का नॉलेज भी नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, जब आप एडवांस टूल्स की तरफ जाते हैं जैसे डैक्स लिखना शुरू करते हैं तो फिर ये एक्सेल के फार्मूलाज आपके काम आते हैं, क्योंकि मोर और लेस इसी तरह से वहाँ पर भी फंक्शंस लिखे जाते हैं, डैक्स लिखा जाता है, जिस तरह से आप एक्सेल के अंदर फार्मूला लिखते हैं। कुछ थोड़ी सी चेंजेस हैं वो हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। डैशबोर्ड सीखते हुए जो हमने हायरार्की बनाई थी, थ्री लेवल हायरार्की, जी वो चीज हम इससे अचीव कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे, और बहुत इजीली करेंगे। इतना इजी होगा क्या, आप आई होप कि इसकी तरफ आपका जो है ना वो चीज़ें आप इस तरफ मूव कर लेंगे। जो फिल्टरिंग टूल्स है ना वो पावर टूल्स के ज़्यादा स्ट्रांग है, जो डैक्स है वो पावर टूल्स में ज़्यादा स्ट्रांग है, जो डेटा हैंडलिंग है, डेटा मॉडलिंग है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रांग है। स्ट्रांग क्या चीज़ नहीं है, इसकी प्रेजेंटेशन लेयर आप उतनी खूबसूरत नहीं बनाते जितनी आपकी एक्सेल के अंदर बनती है। विजुअलाइजेशन की खूबसूरती उस तरह से नहीं आती। कैलकुलेशन यहाँ पर आपकी ज़्यादा करेक्ट होती है एज़ कम्पेयर्ड विद एक्सेल टूल्स। वहाँ पर फार्मूला थोड़ा सा गलत हो गया तो आप का सारा डैशबोर्ड या सारी कैलकुलेशन ही गलत हो जाती हैं। यहाँ पर डिफाइंड स्टेप्स हैं, आपने या तो सम करना है या काउंट करना है या एवरेज करना है, जो भी करना है वो। हाँ, फार्मूला लिखते हुए जब डैक्स लिख रहे हैं उसमें आप गलती कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली वहीं पे आपको एरर थ्रो कर देगा, लेकिन एक्सेल की तरह गलतियों के चांस ज़रा कम है यहाँ पे। एक क्वेश्चन है कि अगर जिस तरह हमें टेक्स्ट कॉलम करना पड़ता है हमारे डेटाबेस में, टाइम और डेट इकट्ठा है फॉर एग्जाम्पल, और हमने अलग करना है, और पावर पिवट के अंदर तुम्हें यहाँ ये ऑप्शन नहीं है टेक्स्ट कॉलम करने की, वो हम कैसे करते हैं उसमें? गुड क्वेश्चन। पावर क्यूरी में जाएं, यहाँ पे एडिटर को लॉन्च करते हैं, ठीक है। इसमें ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, स्प्लिट कॉलम्स। एक चीज़ तो जब डेटा आप इम्पोर्ट कर रहे होते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट टू कॉलम हो के आता है, इसमें टेक्स्ट फाइल हो या जो भी आपने सेपरेटर लगाया हुआ है। फिर भी अगर आपने कॉलम को स्प्लिट करना हो, किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को स्प्लिट करना हो, तो स्प्लिट कॉलम्स का ऑप्शन अवेलेबल है। आप किसी भी क्राइटेरिया की बेस के ऊपर एक्सेल की तरह ही यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हैं। या नई रो ऐड कर सकते हैं खुद, कॉलम सॉरी नया कॉलम ऐड कर सकते हैं खुद डेटाबेस के अंदर, जिसमें डेट और टाइम खुद ही अलग अलग कर दे बिल्कुल आप एक ऐड कर ऑटो सकते को? हैं,
आप कॉलम ऐड करें, उस कॉलम के अंदर एक डैक्स लिखें कैलेंडर के नाम से, वो पूरे का पूरा कैलेंडर भी ड्रॉ कर देगा। आप एक डैक्स लिख के पूरे का पूरा टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। अब आपका टाइम है, आप कोई भी आपकी क्यूरी है तो आप पूछ लें। इसके अंदर हमारी जो रिमेनिंग चीज़ें हैं ना, वो डैक्स फंक्शन सबसे मेन है, उसके अलावा कैलकुलेटेड फील्ड्स हैं, उसमें भी हम डैक्स यूज़ कर रहे होंगे। केपीआईज हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे, केपीआईज को कैसे डिफाइन किया जाता है और पिवट टेबल के अंदर केपीआईज को कैसे यूज़ किया जाता है। फिर जब हम पिवट टेबल्स ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद उन्हीं पिवट टेबल्स के ऊपर हम एक डैशबोर्ड डेवलप करेंगे जो कि ग्राफ्स की सूरत में होगा। मुख्तलिफ ट्रेंड लाइंस भी हम बनाएंगे लाइन ग्राफ में, और कॉलम चार्ट या क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, स्ट्रेट कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, डोनट चार्ट, ये सारी चीज़ें हम कोशिश करेंगे यहाँ पर कवर करें। आप लोग अगर उसमें मोस्ट एडवांस काम करना चाह रहे हैं तो आप स्पीडोमीटर्स भी बना सकते हैं। आप उसके अंदर बाकी जो हमने ग्राफ इसमें स्टडी किए थे वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अपनी असाइनमेंट्स जो भी रिमेनिंग है आप ओवर द वीकेंड मुझे सेंड कर दीजिएगा, ताकि मैं संडे को सारी की सारी असाइनमेंट्स आपकी देख लूँ, और मंडे वाले दिन हम इसको कंप्लीट करेंगे। और फिर इसी के ऊपर एक लास्ट असाइनमेंट होगी हमारी पावर टूल्स के ऊपर। एक इसी तरह से हम डैशबोर्ड बनाएंगे, मल्टीपल डेटा सोर्सेज से डेटा लेंगे और उसी की बेस के ऊपर फाइनल असाइनमेंट करेंगे, और उसके बाद हमारी ये ट्रेनिंग एंड हो जाएगी। ओवर द वीकेंड आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे लिख दें, लेकिन मेरी अवेलेबिलिटी मोस्ट प्रॉबली संडे को होगी, तो संडे को अगर पहले हो सका तो पहले मैं आपको उस पर रिस्पॉन्स दे दूंगा, अदरवाइज संडे को मैं आपको लाजमी इंशाल्लाह उसके ऊपर रिस्पॉन्स दे दूंगा। आज की वीडियो जो एक नहीं होगी, ये मल्टीपल वीडियोज़ हैं, क्योंकि हर दफ़ा सेशन जो है वो मुझे दो तीन रिकॉर्ड करने पड़े हैं। इस रिकॉर्डर के साथ या इस स्क्रीन कैप्चर सॉफ्टवेयर के साथ फाइल साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको मल्टीपल में रखा है। तो आपके साथ दो या तीन वीडियोस के जो है लिंक वो मैं शेयर कर दूँगा। ठीक है, अपना ख्याल रखें, वीकेंड को एंजॉय करें, इंशाल्लाह आपके साथ मंडे को दोबारा मुलाकात होगी। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।